दोस्तों नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह, आज देहरादून उत्तराखंड से खबर लेकर आए हैं। देहरादून की एक लड़की अंकिता की मौत का मामला नया मोड़ लेकर आया है। बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि उनके मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि उसको मारने की एक साजिश गढ़ी गई। जब पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का जब नाम आया तो पूरा इलाका में हड़कंप मच गया। ऐसा कि एक राजनीतिक में दबदबा रखने वाले मंत्री के बेटे का नाम आना, एक रिजॉर्ट के मालिक का नाम आना बड़ी बात है। इसलिए उनके साथ दो उसके मैनेजर भी मिलकर ये साजिश को रचा। साजिश के तहत उसकी मौत कैसे हुई ये आपको बताने जा रहे हैं कि उसको एक चीता माइनर पे ले जाकर गहरा पानी था उसमें धकेल दिया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद एक सूचना दी गई पुलिस को कि वो लापता, और लापता होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की उस चौकी ने। पुलिस प्रशासन ने बताया है कि हमने रिपोर्ट दर्ज करके एक जांच की। जांच के अंदर पूर्व राज्य मंत्री बेटे का नाम आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि राजनीति में दबदबा रखने वाले लोग जब ऐसी हरकत सामने आएगी तो लोगों की भावना, जिस भावना को लेकर लोग उनको जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और उनके बाद ये मामला जब सामने आया तो 6 दिन बाद शव बरामद किया गया। चीता माइनर को बंद करवाया गया प्रशासन के तहत। आप देखते रहिए इंडिया मीट।